हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि हम अपना अगला टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर सकें। बोले इतना कुछ कैसे बोल दिया एक सांस में? बोल देते हैं, हमारा जलवा है ठीक है, सिस्टम है। हाँ, अब देखो बाहर ना मैं जब भी कहीं जाता तो मेरे मुंह से यही निकल रहा है, सिस्टम है। कल तो मैं अपने यहाँ से, मेरे टीचर है ना एक, उनके सामने सिस्टम है। मैंने कहा ज्यादा बिग बॉस देख रहा है। अच्छा, मैं कहा कोई नहीं, चलो क्या लो क्या कहीं। हाँ, अब लेक्चर नंबर 11 को हम स्टार्ट करते हैं विद द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 10। लेक्चर 10 में हमने देखा था एजियोट्रॉप्स के बारे में। क्या ये सही बात है कि नहीं? एजियोट्रॉप्स के बारे में देखा था, जहां पे मैंने आपको बताया था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में, और मैंने आपको ये भी बताया था मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, और मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे रॉल्स लॉ से। और फिर हमने इनके एग्जाम्पल देखे थे, एक में था 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर है ना, और एक में शायद H2SO4 था, शायद आई एम नॉट श्योर, कुछ परसेंट H2SO4 का था और यहाँ पे 4.5% वाटर था है ना, एक वो था। तो ये हमने कुछ चीजें मोटी मोटी देखी थी। फिर हमने देखा था RLVP के बारे में, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें से हमने जो मेन चीज देखी थी वो क्या थी, दैट वेपर प्रेशर ऑफ ए इज स्मॉलर देन, ये वेपर प्रेशर ऑफ एस इज स्मॉलर देन पी नॉट ए है ना, ये चीज हमने देखी थी जो कि हमारे लिए मेन चीज थी। इसी से हम बाकी चीजें भी करेंगे। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। वैसे तो नोट करने वाला था ही कुछ नहीं, सारा पुराना ही था है ना। अब आज हम सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे जो कि है डेल्टा टीबी। अच्छा, टीबी का मतलब मैंने क्या बताया था, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी मतलब चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, और चेंज भी कैसा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब अगर एलिवेशन है मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, जब हमने सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है ना। तो टीबी ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन टीबी ऑफ सॉल्वेंट, सही बात है। इसका मतलब यही होगा ना, एलिवेशन है अगर बॉइलिंग पॉइंट में तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, तो ही तो वो बढ़ा है ना। अगर हमने लिखा डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम है सॉल्वेंट से है ना, तो मैंने डिप्रेशन यूज कर दिया। अब यहां पे क्या है, एलिवेशन है, मतलब ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से। क्या है ये, इससे बढ़िया से उनका तू क्या रब करेगा रे, मैं तेरे को रब करूंगा, मेरे से पंगे लेगा। हाँ जी ठीक है। अब देखो अब कितना बढ़िया है, अब बढ़िया चल रहा है ठीक है। टी डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में कितना एलिवेशन आ रहा है। अब डेल्टा टीबी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, यानी मोलालिटी ठीक है। ये क्या है, मोलालिटी, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। हाँ, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अगर हम इसको हटाएंगे तो डेल्टा टीबी आता है केबी टाइम्स एम, वेयर केबी इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इतना नोट करो, फिर हम केबी के बारे में आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन और देते हैं। पहले आप इतना नोट करें, फिर हम आपको केबी के बारे में, केबी के बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देंगे। है ना। अच्छा, पहले तो बॉइलिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन भी लिख लो, वैसे तो मैंने लिखवाई हुई थी आपको पिछली क्लासेस में, बट फिर भी लिख लो दोबारा से। टेम्परेचर एट विच
अ कंपोनेंट या अ कंपाउंड या अ सब्सटेंस, सब्सटेंस इज वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सटर्नल एटमोस्फेरिक ही तो है। तो वो टेम्परेचर जिस पे जो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर, उसका जो बॉइलिंग, उसका जो वेपर पॉइंट है, वेपर प्रेशर है, वो बाहर एक्सटर्नल या एटमोस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो। बहुत सही, क्लियर 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 क्लियर। हाँ जी, अब के बी के और नाम, हाँ बहुत सही लिखा है, एबुलिस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये भी के बी का ही नाम है, और बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, ये भी के बी का ही नाम है। ठीक है, तो के बी के हमने तीन नाम पढ़ लिए। अब इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, डेल्टा टी मेजर्ड इन केल्विन पर मोलल, तो इसकी यूनिट्स केल्विन मोलल इनवर्स। अब मोलल की जगह अगर मैं लिख दूं केल्विन, मोलल क्या होता है, व्हाट इज मोलल, इसको अगर मैं दूसरे तरह से लिखना चाहूं इसी फॉर्मूले, तो कैसे लिखूंगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम की वैल्यू पुट कर दो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो ये क्या है, मोल पर केल्विन, सॉरी मोल पर केजी, मोल पर केजी, केजी उस साइड चला जाएगा, तो मोलल इनवर्स तो ठीक था, तो केल्विन केजी इनवर्स, सॉरी केल्विन केजी मोल इनवर्स, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएंगी। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएंगी। इतना नोट करो, फिर हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बस इसमें यही आता है आपको, है ना। अब ये हम यूज क्यों करते हैं, Why are we using it? ताकि हमें उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता चल सके। अब यहाँ पे क्या सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास है, नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हो, Kb into mole of solute, mole of solute को आप ब्रेक कर लो, है ना, given mass of solute upon molar mass of solute into small m of solvent। ये मास है, ये मोलैलिटी नहीं है, है ना, वेट लिख देता हूँ मैं, W W ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और कैपिटल M की जगह मैं मोलर वेट ऐसे लिखता हूँ, मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। अब आपका मेन मोटिव होता है ये निकालना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम इसी को निकालने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर बस आपको ये निकालना है, तो बस आप इस सबको सेट ले जाएगा, है ना, बहुत सही है बाकी तो। ठीक है, तो ये आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, कदा बढ़िया था। अच्छा, एक ग्राफ भी बना लो, एक ग्राफ भी बना लो, है ना, जैसे क्या है ग्राफ, बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर का, इस तरफ मैंने मान लिया प्रेशर, इस तरफ मैंने मान लिया टेम्परेचर, ये है प्रेशर ऑफ 1 atm, है ना, ये प्रेशर है 1 atm। अब अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इस लाइन को थोड़ा आगे जाके काटेगा, यानी ऐसे, तो ये लाइन हो गई, ये हो गया टीवी ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पे अगर मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये है टीवी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसी में हम डेल्टा टीएफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। ओके, तो इसको नोट कर लो भाई, पहले इसको नोट कर लो पहले, फिर हम करते हैं। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन, नोट इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, प्लीज नोट डाउन इट वेरी वेरी फास्ट। फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, बढ़िया सा, मस्त सा, चटपटा सा, चुलबुला सा, कहां गया उसे ढूंढ। चलिए, आई होप सो यू हैव कंप्लीटेड इट राइट। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे, देखो आप कितना बढ़िया रब कर रहे हैं, है ना, ऐसे क्या है, औकात में लाना पड़ता है हर चीज को, औकात की बात तो करना दियो। क्वेश्चन देखिए, 250 और 75, 75 है कि क्या है, दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 2 ग्राम सॉल्यूट है 20 ग्राम वाटर में, 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसका वेपर ना बन रहा हो, 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल
सॉल्यूट इन 20 ग्राम वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इज ये बॉइल्स एट 373.52 केल्विन, बॉइल्स एट 373.52 केल्विन. Find the molar mass of solute. Find molar mass of solute if Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole. 0.52 है ना. हाँ जी. एंड बस यही है मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये. तो इसको जल्दी से सॉल्व करो, इसको जल्दी से सॉल्व करो. ऑप्शंस भी दे देता हूँ. ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शंस. आई डोंट लाइक ऑप्शंस बट ऑप्शंस लाइक मी. ऑप्शंस हैं 10, 100, 5, 50. जल्दी से इसको सॉल्व करो. अरे भाई साहब, भाई साहब बहुत तगड़े हो यार तुम लोग, है ना. अभी मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं और आंसर तुमने पहले बता दिया. बहुत सही, बी इज द करेक्ट आंसर. पर इसको सॉल्व भी करके देखते हैं ना. अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है और आपको क्या क्या निकालना है. सबसे पहले तो आप वो रिलेशन लिख लो, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. अच्छा एक और चीज भी तो दी हुई है. अच्छा कुछ दिया नहीं ना. हाँ तो प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है, वॉटर. वॉटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस. थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था. 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन. यानी डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस यानी 0.52. डेल्टा टीबी की वैल्यू आपके पास आ गई एंड दैट इज इक्वल टू केबी यानी 0.52 इनटू स्मॉल एम. तो इससे आपको क्या पता चला, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है, 1 है. स्मॉल एम इज इक्वल टू 1. स्मॉल एम अगर 1 है यानी मोलालिटी 1 है. मोलालिटी 1 है मतलब एक मोल है 1000 ग्राम सॉल्यूशन में. इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मोलालिटी 1 है यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. केजी में होना चाहिए ना. अगर मान लो ग्राम में, बिकॉज आपको क्वेश्चन में ग्राम में दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास, तो मल्टीप्लाई कर दो 1000 से. अब यहाँ पे मोल ऑफ सॉल्यूट आपको निकालने हैं, मोल की जगह आप क्या लिख लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 2 ग्राम अपॉन मोलर मास आपको निकालना है. मल्टीप्लाई है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. वाटर का कितना होता है मोलर मास, 18. सॉरी अच्छा मोलर मास थोड़ी, ये तो गिवन मास है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 1000. 10 100 100 दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज मोलालिटी 1 है. तो ये क्या आ गया, कैपिटल एम यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट that is equal to 100 gram. So the correct answer is option number B. सही बात है. हाँ जी. तो बहुत बढ़िया, आपने पहले आंसर बता दिया था, इसको आप जल्दी से नोट कर लो अब, है ना. इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं. एक आधा क्वेश्चन और देखेंगे फिर. हाँ जी. थोड़ा सा इसी में चेंज कर रहा हूँ मैं, है ना. यहाँ पे कर लो 2.53, है ना, और 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. कितना ग्राम है, 90 ग्राम बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन बॉयल्स एट 354.11 केल्विन. हाँ यही है क्वेश्चन में. आपको दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन भी दिया हुआ है, टीबी ऑफ प्योर बेंजीन दैट इज गिवन टू यू. कितना है, 353.23 केल्विन, है ना. और इसमें भी ऑप्शंस हैं क्या,
नहीं इसमें ऑप्शंस नहीं है बट मैं दे देता हूँ, नियरेस्ट इन टीचर तक आपको बताना है, नियरेस्ट इन टीचर 56, 55, 57, 58 लिख लो, 55, 56, 58 and 59 है ना, ये है आपके पास, इसको जल्दी से करो सॉल्व, ये मिटा दो ना, सॉल्व करो इसको फिर हम आगे बढ़ेंगे, प्लीज सॉल्व इट वेरी वेरी फास्ट। हाँ जी बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 50, कितना आ रहा है तुम्हारा भाई, हाँ 57.5, बहुत सही आ रहा है, मतलब इसमें से आंसर क्या होगा ये वाला नियरेस्ट टीचर है ना, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, ये पॉइंट भी है बीच में, ठीक है वही है मोलर मास सॉल्यूट का पूछा है, तो कैसे निकालोगे, हमें पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी, यानी कि गिवन मास ऑफ ए, ए क्या है सॉल्वेंट एंड कैपिटल बी है सॉल्यूट, और स्मॉल बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, या उसके लिए लिख रहा हूं के बी के लिए है ना, तो दिस अपॉन मोलर मास, मोलर मास को मैं लिख रहा हूं कैपिटल एम इज मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ ए मल्टीप्लाई हो गया मोल पर यूनिट वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या है ए है ना, यहाँ पे सॉल्यूट आएगा, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में है जो कि आपको दिया होगा ग्राम में, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, अब आपसे पूछा क्या है मोलर मास ऑफ बी, तो बस बाकी सबको इस साइड ले जाना है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो, कैपिटल एम बी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी, अब डेल्टा टीबी कितना है, ए ज्यादा है ये कम है ना, इनको आप माइनस कर दो, 354.11, 353.23 है ना, 11, 10, 10, 8 ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 0.88 है ना, 0.88 डेल्टा टी बी इज इक्वल टू 0.88, ठीक है ये 0.88 के बराबर है, तो 0.88 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ ए, ए कितना है, ए क्या है सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है यहाँ 90 अपॉन, इसको नीचे लेके जाओगे ना तो डब्ल्यू बी यानी कि ये 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, तो यहाँ से एक पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, यहाँ से दो पॉइंट हटाओ, दो जीरो लगा लो, इन दो जीरो से ये दो जीरो हट जाएंगे, 9 2 18 44, तो 0. है? केबी भी नीचे डिवाइड होगा ना, डिवाइडेड बाय केबी वो भी कर लेंगे, पहले इतना तो करो, तो 44 अपॉन 100 इनटू केबी इज 2.53 थाउजेंड है ना, 2.53 इफ आई सॉल्व इट तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 57.5 दैट इज द आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है हाँ जी, तो अब आगे बढ़ते हैं है ना, कितना टाइम हो गया 18 मिनट्स का है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला कार्यक्रम देखते हैं, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा टीएफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब अगर डिप्रेशन है मतलब पहले वो चीज अच्छी थी या ज्यादा थी बाद में कम होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि अगर डिप्रेशन लिखा है दैट मींस टी एफ ऑफ सॉल्यूशन कम हो गया है सॉल्वेंट, क्या ये आपको दिख रहा है मार्कर, जी दिख रहा है, तो अब सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएंगे, इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे, ठीक है तो टीएफ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट
इज दैट टेम्परेचर टेम्परेचर एट विच द लिक्विड फेज एंड सॉलिड फेज आर इन इक्विलिब्रियम. और इसको आप और कह सकते हो, टेम्परेचर एट विच वो टेम्परेचर जिसपे द वेपर प्रेशर द प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज. सॉलिड फेज का जो लिक्विड फेज का प्रेशर जो बराबर हो गया उसको हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, इतना नोट करो. मैं देखूं आपको दिख तो रहा है ये कलर यार, थोड़ा लाइट दिख रहा है ना. चलो क्या कर सकते हैं. अब इसका अगर हम ग्राफ देखें उसी तरह से, देखो ये मैंने मान ली सॉलिड की लाइन है, ये सॉलिड फेस की है ना, यहां पे ये है पर टीएफ और ये है आपके पास क्या है यहां पे वेपर प्रेशर है ना प्रेशर. तो देखो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, कम है, यानी कि सॉल्यूशन की टेम्परेचर क्या है, कम है. फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन की लाइन कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी. ये है सॉल्यूशन की लाइन, ये है सॉल्वेंट की लाइन एंड ये है आपके पास डेल्टा टीएफ. ठीक है, दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का ये कम है और सॉल्वेंट का ज्यादा है. इतना नोट करो, कोई बात नहीं, अगली बार से हम लाल यूज नहीं करेंगे. ओए हेलो, ये क्या हो गया भाई, एक मिनट. हाँ अब ठीक है ना. ओ यार बस बस, देखो यार क्या यार मूड खराब हो जाता है यार. मतलब लाइफ में जब ये सब चीजें होती है ना, मन तो करता है फोड़ दूँ स्क्रीन, पर इतना पता है कि हम फोड़ दे सकते नहीं क्योंकि वापस मिलेगी नहीं. पर कीमत भी पता है. हाँ जी, तो आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन वेरी वेरी फास्ट बिकॉज टाइम आपका बहुत सारा वेस्ट मैंने कर दिया उसके अंदर, इसको सेट करने के अंदर. तो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं, डेल्टा टी एफ की तरफ. मतलब डेल्टा टी एफ क्या हुआ, डेल्टा टी एफ क्या हुआ, अगर सॉल्वेंट का ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे डेल्टा टीएफ. ठीक है, ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. तो अब आगे देखते हैं. टीएफ नॉट माइनस टीएफ, यानी प्योर का माइनस सॉल्यूशन का है ना. सो डेल्टा टीएफ इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, बट यहां पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज Kf into small m. अब Kf क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट. ठीक है, ये है आपका Kf. ठीक है, यूनिट वही आएगी, यूनिट तो Kf की यूनिट केल्विन केजी मोल इनवर्स या केल्विन मोलल इनवर्स, इज इट करेक्ट. हाँ जी, तो ये आपकी यूनिट्स आ जाएंगी और ये आपका मेन फॉर्मूला है. सही बात है. हाँ जी, इस फॉर्मूले को नोट करो, फिर हम आगे कहानी को बढ़ाएंगे. बाकी सब इसके लिए भी सेम है, इसको हम एक और नाम दे दो तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे. हाँ जी, क्या आपने इसको नोट कर लिया. अब इसके भी क्वेश्चन देख लेते हैं ना, क्वेश्चंस इसके भी देख लेते हैं ना. क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं कोई बढ़िया सा आपके लिए.
स्पेशल आपके लिए। हाँ तो क्या दिया हुआ है इसको मैं मिटा दूँ ना? चलिए तो मैंने मिटा दिया। हाँ क्वेश्चन 1.8 ग्राम ए 1.8 ग्राम सोल्यूट इन 62.5 सेंटीमीटर क्यूब इथेनॉल। इथेनॉल ठीक है डेल्टा टी। अच्छा टीएफ है 155.1 केल्विन दिया हुआ आपको। बॉयल्स एट 155.5 केल्विन फुल स्टॉप। और क्या क्या दिया हुआ है? इथेनॉल का प्योर है 156, डेंसिटी है 0.8, केएफ है 2 है ना, डेंसिटी है ऑफ इथेनॉल 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और टी ऑफ टी नॉट ऑफ इथेनॉल टी एफ नॉट ऑफ इथेनॉल दैट इज इक्वल टू, यार क्या यार अभी अभी तो खोले हैं सारे ये चल रहा है। हाँ टी एफ नॉट ऑफ इथेनॉल दैट इज गिवन टू यू 156 केल्विन एंड के एफ ऑफ इथेनॉल is given to you 2 केल्विन केजी मोल इनवर्स। सॉल्व करिए इसको और आंसर बताइए। ऑप्शंस दे दूं क्या? एक मिनट। हाँ ऑप्शंस हैं ए 60, बी 70, सी 80, डी 90। पूछा क्या है? फाइंड मोलर मास, फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ये क्या है इसको सॉल्व करो फिर मैं आपको करवाता हूं। बहुत सही बहुत सही। 80 वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इन टू एम है ना, तो बस एम की वैल्यू क्या डाल दी, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बिकॉज वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन टू यू इन ग्राम पर सेंटीमीटर। हम निकाल लेंगे ना डेंसिटी से। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या पुट कर सकते हो, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है ना, डेंसिटी ऑफ ए इंटू वॉल्यूम ऑफ ए। ठीक है इसी में मैंने ये लिख दिया। आपको चाहिए क्या mb की वैल्यू, mb को इस साइड लेके जाएंगे। ओए पिछले क्वेश्चन में फिर हम तो mb को इसी साइड रहने दिए थे, बाकी सब चीज को उस साइड लेके, उसका रेसिप्रोकल होगा ना फिर पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था है ना, मैंने तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया था। ठीक है तो उसमें सही कर लेना भाई। ठीक है तो mb विल बी इक्वल टू kf wb इनटू 1000 अपॉन डेंसिटी ए वॉल्यूम ए टी एफ, ये आपके पास आएगा। तो के एफ की वैल्यू डेल्टा टी एफ, सॉरी के एफ कितना है बस ये आप पुट कर दो यार, के एफ इज 2 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेंसिटी 0.8 वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ही होगा ना 62.5। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ कैसे निकालोगे, प्योर माइनस ये प्योर है और ये सॉल्यूशन का है। अच्छा तो इथेनॉल का के एफ था भाई है ना, बॉयल्स एट इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो 0.5 का डिफरेंस है तो हाफ यानी कि ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से डिवाइड करना तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है तो ये आपके पास आएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक मिनट लेट मी जस्ट सॉल्व इट आउट।
एंड फिगर इट आउट कि अब क्या पता 2 × 1.8 × 2 × 1000 डिवाइडेड बाय 0.8 डिवाइडेड बाय 62.5 144 हाँ? देखो आ गई ना गड़बड़, गड़बड़ आ गई भाई, देयर इज अ मिस्टेक इन आवर फॉर्मूला है। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन सही है, 55.1 है। अच्छा यहाँ पे 155.1 है ना, यहाँ पे 155.1 है, यानी 0.9 का डिफरेंस है, यानी कि अब हम 2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो ये तो 2 से डायरेक्ट जा रहा है और 2 × 2 = 4, 2 × 8, 5 × 1000 कर लो, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 125 125 से इसको डिवाइड करना है, पहले तो 25 से कर लो, 25 से 25 400 आ जाएगा, और नीचे 25 × 25 4 होता है तो 5 आएगा, है ना, तो 5 × 4 = 80 आ गया। हाँ जी 80 आ गया, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, अब आ गया ना आंसर। हाँ तो पहले हमने गलत क्या कर दिया सर, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक थी इसलिए आपका गलत आ रहा होगा, पर कई बच्चों ने मतलब ऑफकोर्स गूगल से चेक लिया होगा, यहाँ तक लिखा होगा है ना, तो ही उनका आंसर 80 आ रहा था, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, उन्होंने देखा थोड़ी, क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी तो आंसर उनका सेम कैसे आ गया। चलिए अब आगे बढ़े और अगली कहानी की तरफ बढ़े, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाँ जी, तो 32 मिनट की वीडियो हो चुकी है, ये लेक्चर हो चुका है ना, अब अगला करें कि छोड़ दें, चलो अगला करते हैं, हेडिंग डालना ऑस्मोसिस, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक बताओ, रोना शुरू कर देते हैं यार, द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट लिखो ट्रांसफर नहीं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane, SPM. अब अगर बायो वाले हो तो आपको पता है SPM. ये वो वाली SPM नहीं है, semi-permeable membrane, plasma membrane नहीं. ये क्या है? जैसे मैंने ये एक जार है आपके पास, इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक ऐसा जार टाइप के अंदर ना ऐसा एक मेम्ब्रेन लगा दी जो कि सेमी परमिएबल है और सॉल्वेंट या सॉल्यूट उनके मॉलिक्यूल्स को ये ले जाएगी यहां वहां, ठीक है। अब अगर मान लो यहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, है ना, सॉल्यूट इज लेस हियर, सॉल्यूट इज लेस, यानी कि सॉल्वेंट अगर मूव कर रहा है तो सॉल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, और अगर सॉल्यूट मूव कर रहा है तो सॉल्यूशन का हाई कॉन्सेंट्रेशन से करेगा, है ना, तो सॉल्यूट यहां पे कम है और यहां पे सॉल्यूट इज मोर, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट होगी इस साइड, ये मूवमेंट किसकी है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स की मूवमेंट है ये, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल्स जहां पे सॉल्यूट कम है वहां से दूसरी साइड चले जाएंगे ताकि दोनों का सॉल्यूट बराबर हो। अब इसको हम एक चीज से समझ सकते हैं, जैसे मैंने क्या कहा, हमारे पास 2 गिलास थे नींबू पानी के, ठीक है, 2 गिलास थे नींबू पानी के, एक में हमने जो है नमक ज्यादा डाल दिया और दूसरे में नमक कम है, ठीक है, एज कंपेयर टू दैट वन, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे डाल देते हैं और थोड़ा सा उसको इधर कर देते हैं, मतलब आपस में मिक्स वगैरह करके दोनों को बराबर कर देते हैं ना,
तो वही ऑस्मोसिस है, जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते तब तक ये आपस में मिक्स होते रहेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कॉन्सेंट्रेशन की बात मतलब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यानी कि सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट, जहां पे सॉल्यूट कम वहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम, जहां पे सॉल्यूट ज्यादा वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम आपको पढ़ाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। क्या पढ़ाएंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब अगर ये ऑस्मोसिस को हमें रोकना है, टू स्टॉप ऑस्मोसिस हमें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, टू स्टॉप ऑस्मोसिस कॉमा वी अप्लाई ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को हम बोल देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये किसके बराबर होगा? जो भी प्रेशर या जो भी प्रेशर इनके मूवमेंट के कारण आ रहा है उसी के बराबर तो हम अप्लाई करेंगे ताकि वो रुक जाए। जैसे कि एक मिनट, क्या है ये? क्या है? जैसे कि अगर मैंने इसको यहां पे रखना है ऐसे, तो जिसका वेट है वो नॉर्मल के बराबर होगा तो ही रुका रहेगा। अगर ये अब ये वही समझ सकते हैं जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत 11th में, है ना? ठीक है, अब ये है, अगर मान लो इस साइड को जा रहा है, हमने कुछ प्रेशर लगाना है इसको रोकने के लिए, तो जो ये प्रेशर लगा रहा है अगर हम उसके बराबर प्रेशर लगा देंगे तो क्या ये रुक नहीं जाएगा? है ना? विच इज इक्वल टू, तो दिस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज, या एके ऑल्सो नोन एज द प्रेशर डेवलप्ड ड्यू टू ऑस्मोसिस, ड्यू टू ऑस्मोसिस। ठीक है, ये है आपके पास। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को? ऑस्मोटिक प्रेशर का रिप्रेजेंटेशन है बाय पाई, पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो पाई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन के और टेम्परेचर के। ठीक है, इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई इक्वल्स सी आर टी, जहां पे आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो सी आर टी आपके पास ये है, आपके पास क्या? पाई की वैल्यू। भले सी क्या है? मोलारिटी। सी ज्यादातर क्या होती है? मोलारिटी होती है। सी क्या है? मोलारिटी। अब इस फॉर्मूले में टेम्परेचर आ रहा है, मतलब कि अगर मैं अलग अलग वैल्यू लूं टेम्परेचर की तो मैं इसको उस टेम्परेचर पे किसी भी टेम्परेचर पे मेजर कर सकता हूं, है ना? मतलब कि ये हम प्रेफर करेंगे, प्रेफर्ड फॉर लिपिड्स प्रोटीन्स, है ना? लिपिड्स प्रोटीन्स या मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। व्हाई? As it can be measured at room temperature. किसी भी टेम्परेचर इसको मेजर कर सकते हो आप, है ना? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो अगर हाँ, तो अगर हमें किसी भी ऐसा है ना, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन है तो हम मोलर मास निकाल सकते हैं सॉल्वेंट या सॉल्यूट का, सॉरी, जिसके लिए हम ये सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सभी पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे हमने पिछली तीन प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, RLVP, ठीक है, यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा TB, डेल्टा TF, फिर हम इस पे आ रहे हैं। इन सब में हमने क्या देखा, हमें मोलर मास निकलवाया जा रहा है सॉल्यूट का, इसमें वही करा जाएगा। तो हम इसको इसलिए प्रेफर करेंगे बिकॉज ये रूम टेम्परेचर पे हम करते हैं, और उनमें हमें टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं लेना होता, वहाँ पे थोड़ा मतलब मिसमैच हो जाता है कंडीशन, है ना? रूम टेम्परेचर पे अगर हम इसको करेंगे, तो ये आप इतना नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आई होप सो यू आर नोटिंग इट डाउन वेरी वेरी फास्ट, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कई जगह पे क्या बताते हैं, वैसे वो भी सही है, वो थ्योरी भी सही है कि इसको आप डायरेक्टली ऐसा करो, ऐसा कर लो, फिर ये दोनों आर टी जो है वो एक कॉन्स्टेंट आ गया। आप ये नोट कर लो, है ना, ये नोट कर लो आप, आर टी एक साथ एक अलग कॉन्स्टेंट है, आर वाई टी का वाई टी, वेयर टी इज टेम्परेचर एट विच इट इज बीइंग मेजर्ड। ठीक है, कई जगह पे ऐसे बताएंगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, कई जगह पे दोनों के बजा देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे नोट कर लो।
ठीक है, बिकॉज ज्यादातर जगह पे ऐसे ही बताते हैं, तो आप ऐसे नोट कर लो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है जी, ओके चलिए फिर करें क्या क्लास को एंड अब? ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर आपका खत्म तो नहीं हुआ भाई, अभी क्वेश्चंस भी करने हैं इसके, फिर हमें इसके इसके ऊपर बेस्ड टाइप सॉल्यूशंस के टाइप भी देखने हैं कि अगर मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो कौन सा सॉल्यूशन, कम है तो कौन सा सॉल्यूशन, बराबर है किसी दो सॉल्यूशंस के लिए तो कौन सा सॉल्यूशन है, उन दोनों को क्या बोलेंगे। ठीक है, अभी आपके दो लेक्चर्स लग ही जाएंगे, है ना, बिकॉज अगर नहीं लगे तो हम लास्ट वाली में क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, 13 ही खत्म करेंगे हम इस चैप्टर को। ठीक है, तो अब होमवर्क की बारी है, बस सर बहुत हो गया आपका रोना धोना, कर तो दिया अब सब कुछ, कार्यक्रम बंद, समाप्ति कर तो दी भाई। तेरे मेरे दरमिया है बातें अब कई, तू जहां है मैं वहां हूँ साथ यही। आई डोंट नो द लिरिक्स, मैं तो ऐसे कुछ भी गा रहा हूँ। हाँ देखो, मेरे को पता था सॉन्ग लिखोगे इसलिए मैंने गाना शुरू कर दिया था पहले। दीदी आपको बता देता हूँ कौन सी करनी है आपको, है ना, एक मिनट भाई साहब। ये रही आपकी केमिस्ट्री के डीपीपीस, तो 1, 2, 3, 4 and 5 ये तो आपने पहले से कर ली है मेरे ख्याल से, कभी सेंड नहीं हुई है, अगर मान लो नहीं हुई तो आपको एक दो दिन में हो जाएंगी, सारी इकट्ठी सेंड हो जाएंगी। फिर आपको क्या करनी है, डीपीपी नंबर 6 में कहां तक कर सकते हो, नहीं 6 तो आपको पहले दे दी गई थी ना, तो 7th है आपकी इस बार, 7th सारी कर सकते हो। डीपीपी 7 रिवाइज ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, रिवाइज क्लास नोट्स, ठीक है, ये आपके पास है आपका होमवर्क। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सॉन्ग है गा तो दिया भाई, और क्या गाऊं बोलो, आप बता दो। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, ओ ओ। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।